This is Dr. Ikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. High risk pregnancies. Any pregnancy which deviates during the antenatal period, मतलब जब आप प्रेग्नेंट हैं ड्यूरिंग योर डिलीवरी, जब आपको लेबर पेन्स हैं, आपकी डिलीवरी हो रही है, एंड इवन इन द पोस्टपार्टम पीरियड, डिलीवरी के 6 वीक्स तक कुछ भी एबनॉर्मल होता है, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं. देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच मेक अ प्रेगनेंसी हाई रिस्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, बीपी ज़्यादा हो, थायरॉयड की प्रॉब्लम हो, फाइब्रॉइड्स हो आपकी प्रेगनेंसी में, बेबी की पोजीशन एबनॉर्मल हो, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच मेक योर प्रेगनेंसी हाई रिस्क, एंड वी आर एक्चुअली मेकिंग अ सीरीज जिसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद फाइब्रॉइड यूट्रस. नाउ इट कम्स एज अ शॉक. यू आर प्रेगनेंट, यू आर हैप्पी, आप हॉस्पिटल जाते हो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने, एंड द डॉक्टर टेल्स यू हैव अ बिग फाइब्रॉइड. फाइब्रॉइड क्या है? फाइब्रॉइड एक नॉन कैंसरस रसौली है, ग्रोथ है यूट्रस की, ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती है. सो फर्स्ट मिथ बस्टेड, फाइब्रॉइड्स वेरी रेयरली इन लेस देन 0.01% केसेस टर्न्स इनटू कैंसर, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो बिल्कुल भी वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है. देन अगर आपको प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड डायग्नोस हो जाता है, डोंट वरी, इट इज़ 80% population India ki up to 50 years of age fibroids develop karti hai at some point of their life. It does not harm. Theek hai, ab aapko pregnancy hai, saath mein fibroids bhi hain. Agar fibroids ka size zyada hai ya wo kuch is location mein paaye ja rahe hain jab wo baby ki implantation ko, baby jo uterus ke saath attach hota hai usko hamper kar raha hai, so kuch complications it can create. अबॉर्शन के चांसेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है आपको, यू मे ऑल टाइम फील हैवी, आपको यूट्रस में डिस्कम्फर्ट रहेगा, आपको लेग्स में क्रैम्प्स रह सकते हैं, यू मे इवन हैव पेन इन लोअर पार्ट ऑफ योर टमी. जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, देर मे बी चांसेस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, आपका यूट्रस का माउथ खुलना शुरू हो सकता है, यू मे गो इन टू प्री टर्म लेबर, जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लीडिंग रहती है, इसे एंटीपार्टम हैमरेज कह सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, जो ऑल है प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट कर जाती है, बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से में इम्प्लांट कर जाती है. कई बार जो फाइब्रॉइड है उसी के ऊपर प्लेसेंटा अटैच कर जाता है, जिसके कारण वो अटैचमेंट वीक होती है और प्लेसेंटा कभी भी सेपरेट कर जाता है, जिसे हम एब्रप्शियो कहते हैं. अब यूट्रस में फाइब्रॉइड है, सो सम हाउ इट ऑल्सो हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द बेबी. कई बार इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियोस के चांसेस रहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एंड तक सीधा ही रहे, कई बार बच्चा आढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या उल्टा हो जाता है, जिसे ब्रीच प्रेगनेंसी कहते हैं, वो हो सकता है. देन डिसफंक्शनल लेबर, वेन यू गो इन टू लेबर, यूट्रस अपना जो कंट्रैक्शन है, लेबर पेन्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जिससे कि यूट्रस का माउथ ओपन नहीं करता, एंड नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं. फाइब्रॉइड्स पर से इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हैविंग अ सिजेरियन सेक्शन. डिलीवरी के दौरान ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बेबी का हेड कहीं वहाँ पर स्टक हो जाता है, नीचे नहीं आता. देन डिलीवरी के बाद आपको पोस्टपार्टम हैमरेज, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं. सो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं, यूट्रस वापस अपनी शेप में वापस नहीं आता. ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी. अब एक यूनिक एंटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड. इसमें क्या होता है, जो फाइब्रॉइड है दैट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग इन योर बॉडी, वो घुलना शुरू हो जाता है, आम भाषा में अगर कहें. इट इज़ वेरी पेनफुल, ये प्रेगनेंसी में ही देखा जाता है. इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट है, खूब सारा पानी पीना है, बेड रेस्ट लेना है, एंड कुछ माइल्ड पेन किलर्स जैसे पैरासीटामोल आप ले सकते हैं. सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन फाइब्रॉइड्स के कारण आती रहती है, डॉक्टर्स उसे आराम से मैनेज कर सकते हैं. मैनेजमेंट में बस यही रहता है कि कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड. पेन है तो आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे, ब्लीडिंग है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू बेड रेस्ट. प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट हम आपको दे सकते हैं यूट्रस को क्विसेंट शांत रखने के लिए, ताकि वो प्रीटर्म लेबर में ना जाए, हम आपको प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट दे सकते हैं. बेड रेस्ट, यू कैन यूज़ वेरी कम्फर्टेबल पिलोज आपको कम्फर्टेबल करने के लिए. कुछ प्रेगनेंसीज हमने इस तरह की डिलीवर की थी कि देयर वाज अ बेबी अलोंग विद अ फुटबॉल साइज फाइब्रॉइड अलोंग विद द बेबी. सो
बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है, इवन ब्रीदिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो यू जस्ट हैव टू यूज़ सम पिलोज, अपना बैक जो बैक है वो एलिवेटेड रखेंगे, जिसके कारण आप बहुत कम्फर्टेबल हो जाते हैं. डिलीवरी के दौरान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी जगह टर्शरी केयर सेंटर में ही अपनी डिलीवरी कराएं, जहाँ पर ब्लड अरेंजमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इमीडिएटली ब्लड अरेंज हो जाए, आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल हो. बेबी को एज पर फाइब्रॉइड से कोई हार्म नहीं होता, माइल्ड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हमने देखी है, बट देन दैट कैन बी ईजिली मैनेज. कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स और कुछ दवाइयाँ इस तरह से होती हैं जिससे बेबी अपनी कैचअप ग्रोथ कर लेता है. 80% फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में श्रिंक भी कर जाते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस इस तरह से होते हैं, दे में श्रिंक 20% ग्रो भी करते हैं. डिलीवरी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, जब ऑल द हार्मोन्स इन योर बॉडी गो डाउन, अगेन यूट्रस रीमॉडलिंग होते हैं, एंड वी हैव सीन जिसमें फाइब्रॉइड्स, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स 2-3 सेंटीमीटर्स के हो जाते हैं, दे टोटली डिसअपियर. सो Do not immediately rush for a surgery कि अब मेरे बेबी हो गया है, अब मैं फाइब्रॉइड भी रिमूव करवा देती हूँ. गिव इट एम्पल टाइम, गिव इट 6 weeks टाइम, एंड देन गेट एन अल्ट्रासाउंड डन कि आपका फाइब्रॉइड का उस टाइम का स्टेटस क्या है, एंड देन डिस्कस विद योर डॉक्टर अबाउट द फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस. सो दैट वॉज ऑल अबाउट फाइब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी. अगर आपको कोई क्वेरी है, यू कैन लीव अ कॉमेंट एंड विल रिप्लाई टू यू. वी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर टेली एंड वीडियो कंसल्टेशन. स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. टेक केयर, हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी.